अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ये बायोलॉजी है, यूनिट 3 है बायोडाइवर्सिटी का, बायोलॉजी फॉर ग्रेड 9। कल के लेक्चर में हमने डिटेल से कवर किया था बायनामेल नामेनक्लेचर को। बायनामेल नामेनक्लेचर क्या है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको हमने डिटेल से कवर किया था पिछले लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन मीन्स टू यूज़ द रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड वाटर्स इन अ सेंसिबल वे। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, बचाव का क्या मतलब है, कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे साथ, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स है, वाटर है, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। द स्टेप टेकन फॉर सर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, सेविंग द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ आर टर्म एज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो स्टेप जो लिए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के सर्व के सेविंग के लिए, तो उसको बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अदर रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स फॉर द प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी ये लाजिम है कि बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज कंजर्व किए जाए, और फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंस के हामिल है। दूसरा है हमारे साथ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स क्या है, असर, वो असर जो ह्यूमन बीइंग्स करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे क्या असर पड़ता है। तो आज ये टॉपिक है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन सरगर्मियों की वजह से द बायोडाइवर्सिटी ऑफ मेनी एरियाज एंड द अर्थ एज अ होल डिक्रीज डे बाई डे। बायोडाइवर्सिटी जो है ये अर्थ की दिन ब दिन कम होती जा रही है। स्पीशी दैट हैज़ नो लॉन्गर लिव्स एनीवेयर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एक्सटेंट स्पीशी। एक्सटेंट का मतलब है नेस्तनाबूद, बिल्कुल ख़त्म। तो एक स्पीशी जो अभी अर्थ पे जिंदा नहीं है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट स्पीशी मतलब बिल्कुल ख़त्म। The species which are in danger of extinction are called endangered species. और वो species जिनको ख़तरा होता है, मतलब उसके कुछ organism बाकी रह चुके होते हैं और वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हो, उसको endangered species बोला जाता है। endangered का मतलब ख़तरे में। The species which are likely to become endangered in the near future are called threatened species. और वो species जिसको फ्यूचर में ये ख़तरा होता है कि वो endangered हो सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, threatened species बोलते हैं। वो थ्रेटन स्पीशीज होते हैं, उसको फ्यूचर में ये ख़तरा होता है कि वो मतलब इंडेंजर्ड हो सकते हैं, मतलब उनकी स्पीशी कम होने के करीब हो सकते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव बिकम इंडेंजर्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन सरगर्मियों की वजह से बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशी जो है वो इंडेंजर्ड हो गई है। प्लांट्स लाइक राफिल्सा एंड ग्रास फर्न्स ऑफ इंडोनेशिया, ये प्लांट्स जो है, और राफिल्सा ग्रास फर्न्स वगैरह इंडोनेशिया में ये इंडेंजर्ड है। Similarly, species of animals like giant panda in China, चाइना में giant panda जो है, and mountain gorillas in Africa are also endangered. और mountain gorillas अफ्रीका में ये भी endangered species में आते हैं, endangered animals में आते हैं। ये वो इंडोनेशिया का राफिल्सा प्रावल है, ग्रास फर्न्स है यहाँ पे, ये giant panda चाइना के, mountain gorillas in Africa, ये अफ्रीका के mountain gorillas है, endangered species of plants and animals, plants और animals के endangered species यहाँ पे इसमें शो किए गए हैं। अभी अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए, तो इन पाकिस्तान एनिमल्स लाइक एशियाटिक चीता जो है, टाइगर हो गए, लायन हो गए, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन वन हॉर्न रेनोसोर, स्वैम डियर्स, ब्लैक बग्स एंड हंगोला हैव बिकम एक्सटेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक्सटेंट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। इन पाकिस्तान 31 स्पीशीज ऑफ मेमल्स, 20 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड 5 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स आर लिस्टेड इज इंडेंजर्ड। 31 स्पीशीज मेमल्स के, 20 स्पीशीज बर्ड्स के और रेप्टाइल्स के 5 स्पीशीज जो है ये लिस्टेड है इंडेंजर्ड स्पीशीज में। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड होबरा बस्टर्ड, इसको टेलर भी बोलते हैं, ये वाली होबरा बस्टर्ड, ये टेलर इसको बोलते हैं। एंड केपरा फॉर्गोना मारखोर, जो मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है ये। एंड प्लांट्स लाइक यू चिलगोजा एंड सनोबर हैव बिकम इंडेंजर्ड इन पाकिस्तान। प्लांट्स में जो चिलगोजा और फर्न्स है, ये सारे जो है ये पाकिस्तान में इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आते हैं। ये फर्न्स, ये एक ट्री है और ये दूसरा चिलगोजे का दरख्त। तो ये सारे जो है ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ इंडेंजर्ड, और मतलब स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो सकते हैं या स्पीशीज़ एक्सटेंड हो सकते हैं या थ्रेटन हो सकते हैं, तो उसमें नंबर 1 पे आते हैं हमारे साथ हैबिटेट लॉस एंड डीफॉरेस्टेशन।
हैबिटेट लॉस होता है जब हम जंगलात की कटाई करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ऑल स्पीशीज हैव स्पेसिफिक फूड एंड हैबिटेट नीड्स, तमाम स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक खुराक चाहिए होता है और उनके हैबिटेट नीड्स होते हैं। हैबिटेट लॉस मींस डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ स्पीशीज। हैबिटेट लॉस का क्या मतलब है कि जो स्पीशीज हैं उनके नेचुरल हैबिटेट वो ख़त्म हो जाए। वी आर यूटिलाइजिंग लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ की जो वैल्यूएबल जो कीमती हैबिटेट से उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लैंड को यूटिलाइज करने के लिए नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू कॉप विद द डिमांड ऑफ फूड, खुराक की डिमांड को मुकम्मल करने के लिए पीपल आर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड डेवलपिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं और उसकी जगह क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड्स डेवलप करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाते हैं। पाकिस्तान फॉरेस्ट कवर ओनली 5.2% ऑफ लैंड। पाकिस्तान में 5.2% ज़मीन जो है इस पे क्या है, फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट एरियाज इन पाकिस्तान इज श्रिंकिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से ये कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट एनुअल डिफॉरेस्टेशन रेट इन एशिया। एशिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑफ WWF के रिपोर्ट के तहत क्या होता है, सिंस 1947 मोर देन 1,51,500 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड। इतनी ज़्यादा लैंड जो है ये फॉरेस्ट से हमने फॉरेस्ट से कटाई हो गई है और इसको डिफॉरेस्ट किया गया है। तो इसमें क्या था, हैबिटेट लॉस और डिफॉरेस्टेशन, ये एक इम्पेक्ट था ह्यूमन बींग्स का बायोडाइवर्सिटी पे। दूसरा है हमारे साथ ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शिकार कर। ओवर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज आल्सो कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ह्यूमन बायोडाइवर्सिटी का क्या है, बहुत सारे एनिमल्स का हम हंटिंग करते हैं। पाकिस्तान वेरियस लिजर्ड स्नैक्स क्रोकोडाइल्स एंड लार्जर मैमल्स आर हंटेड फॉर वेरियस पर्पजेज, बहुत सारे मकासद के लिए लेजर्स स्नैक्स क्रोकोडाइल्स और बहुत से मैमल्स को हंट किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू द चित्राल आर हंटेड एंड किल्ड ड्यूरिंग दियर माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत सारी बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह मौसम की तब्दीली की वजह से माइग्रेशन करते हैं, तो जब ये माइग्रेशन करते हैं तो रास्ते में इनका शिकार किया जाता है और उनको हंट किया जाता है, तो इसी वजह से इस पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। नंबर 3 है हमारे साथ इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज। रिमूवल ऑफ स्पीशीज या किसी स्पीशीज का इंट्रोडक्शन, व्हेन अ न्यू स्पीशी इज इंट्रोड्यूस्ड इन एन इकोसिस्टम, अगर किसी इकोसिस्टम में कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस की जाती है, इट मे प्रूव हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर स्पीशीज लिविंग देयर, तो दूसरी जो स्पीशी वहाँ रह रहे होते हैं उनके लिए ये खतरनाक भी साबित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर यूकलिप्टस ट्री, यूकलिप्टस की जो दरख्त है, वे वर इम्पोर्टेड टू पाकिस्तान फ्राम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ये दरख्त पाकिस्तान इम्पोर्ट किए गए थे। दीज ट्रीज कंज्यूम मोर water and have disturbed the level of underground water. ये दरख्त जो है इसकी खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करता है और ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो इसने अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत डिस्टर्ब किया, मतलब अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो बहुत नीचे चला गया इसकी वजह से। सो अदर स्मॉलर प्लांट्स कैन नॉट ग्रो नियर दीज ट्रीज, तो इन दरख्तों के करीब कोई दूसरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। द रिमूवल ऑफ स्पीशी फ्रॉम एन इकोसिस्टम आल्सो अफेक्ट्स अदर स्पीशीज, ये तो हमने एक स्पीशी इंट्रोड्यूस किया एक एनवायरनमेंट को, तो इससे दूसरे प्लांट्स एनिमल्स पर असर पड़ा। अब अगर हम कोई स्पीशी एक एनवायरनमेंट से रिमूव करते हैं तो वो भी असरअंदाज होता है उस एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल इन एन इकोसिस्टम स्टारफिश ईट्स मसल्स व्हिच आर हार्मफुल टू मेनी अदर स्पीशीज। स्टारफिश जो पानी में रहता है वो मसल्स खाता है और मसल जो है वो दूसरे बहुत सारे स्पीशीज के लिए हार्मफुल है। इफ स्टारफिश इज रिमूव्ड फ्रॉम एन इकोसिस्टम, अगर स्टारफिश को इस इकोसिस्टम से हटाया जाए, द मसल्स विल इंक्रीज, मसल्स बढ़ जाएंगे इन नंबर एंड दे विल बी हार्मफुल टू अदर स्पीशीज, और इसी की वजह से दूसरी स्पीशीज जो है वो असरअंदाज हो जाएंगे, मतलब उनको ख़तरा हो जाएगा। नंबर 4 है हमारे साथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज़ी से हम इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, तो इससे क्या असर पड़ेगा, द केमिकल पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर हार्मफुल फॉर स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम। स्पीशीज़ के लिए और इकोसिस्टम के लिए वो चीज़ें ख़तरनाक है, हार्मफुल है, जो पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स इंडस्ट्रीज से रिलीज होती है। पॉल्यूशन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉज ऑफ एक्सटेंशन, पॉल्यूशन जो है इससे एक्सटेंशन तो काज नहीं होती, बट इट यूजुअली हार्म स्पीशीज व्हिच इन स्मॉल एरियाज, जो छोटे इलाकों में जो स्पीशीज रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म करती है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना था, हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन इम्पैक्ट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने ये 3-4 पॉइंट्स पढ़े, पहला पॉइंट हमारे साथ हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन, दूसरा था हमारे साथ ओवर हंटिंग,
तीसरा टॉपिक था हमारे साथ, तीसरा था इसमें पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन आ रिमूवल ऑफ स्पीशी। नंबर फोर पे हमारे साथ था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आगे का हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड इफेक्ट्स, और उससे आगे हमारा टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो ये टॉपिक हम डिटेल से कवर करेंगे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्स एंड टिश्यूज, यूनिट फोर होगा हमारा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।